चाहती हूँ कि आप लोग भी बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर पे अपने काम में व्यस्त होंगे। और हम भी ठीक ही है, और ठीक भी कहाँ है, पर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रही है। तो मेरा आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से, 11 बज चुकी है और मैंने अपना काम भी निपटा लिया है और नहा धो के मैं रेडी होगी। तो मेरे ना आँख में भी दर्द हो रहा है, ये देख सकते हो आप लोग, तो लाल लाल हो रखा है। तो दोस्तों ये ना आजकल मतलब आँख की बीमारी चल रही है, और अनिशा का भी हो रखा है। तो अनिशा आज स्कूल गई नहीं है, और अनिशा को कल मैडम ने मना किया है स्कूल आने के लिए। तो इसके ना दोनों, इसकी आँख लाल नहीं हो रखी, पर ये ना सूजी सूजी थी, कल थोड़ा थोड़ा लाल थी, आज नहीं है। तो मैडम ने बोला कि मतलब रेस्ट करना है बच्चों के लिए, तो कल मना किया कि कल मत आना स्कूल, जब तक ठीक नहीं हुई है तब तक मत आना स्कूल। बट बच्चे का मानते हैं ना, कहाँ रेस्ट कर रही है, बस इधर इधर घूमी जा रही है, फ़ोन देख ही जा रहे हैं। और कल ट्यूशन में भी गई थी, तो ट्यूशन वाली मैडम ने भी मना किया है, कहती है अनिशा रेस्ट कर ले, जब तक आँख ठीक नहीं हुई है तब तक ट्यूशन भी मत आना, तो अनिशा की मौज होगी। तो दोस्तों ये ना आँख की बीमारी बहुत ख़तरनाक है, दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इधर से मेरा पूरा मुंह सूजा हुआ था। तो आप लोग भी अपना ख्याल रखना और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, तो क्योंकि ये बीमारी आजकल मतलब ज़्यादा फैल रही है, इधर तो काफ़ी लोगों को हो रखा है। और कल इनके लिए ऐनक भी लाई है, आज तो लेके नहीं गया स्कूल पर, और अनिशा ने कभी लगा रही है तो कभी लगा ही नहीं रही है। वैसे काफ़ी बच्चों ने स्कूल पे भी लेके गए पहन के, पर बट आयुष नहीं लेके गया आज। बाय, अपना ख्याल रखना, अपने बच्चों का भी ख्याल रखना, ये बीमारी बहुत फैल रही है, ऐसे खुशी सुबह आंखों के अंदर चले जाती है, फिर लाल हो जाती है, फिर दर्द होता है, और मैं दो नहीं, जब तक मेरी आँख ठीक नहीं होती तब तक मैं घर पे रेस्ट करूंगी। रेस्ट कर रही है आप? हैं? हाँ, तो मेरी ट्यूशन की भी छुट्टी है, मेरी ट्यूशन की छुट्टी है, मेरी ट्यूशन। तो अब किचन में थोड़ा काम रह गया करने के लिए, बर्तन वगैरह साफ करने के लिए, तो चलो अब बर्तन साफ करती हूँ। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अंजलि बेलवाल ब्लॉग से, और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, तो ताकि आप लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके, और शेयर भी ज़रूर करना दोस्तों। पर हम जा रहे हैं अभी मार्केट, शाम के 6 बज चुकी है, और अभी हम गली में ही है, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, हम तो हमारे जाते जाते ही पसीना निकल गई। यहाँ पे लगा था यार बोल्ड, इस पे ये बोल्ड हटा दिया उन्होंने। अब अभी
तो दोस्तों हम बाहर से आ चुके हैं और हमने चाय भी पी ली है और श्याम की बज चुके 8 और अब हम खाने की तैयारी करते हैं। और मेरा ना मुंह भी सूज गया है और जब बाहर जा रहे ना तब ज़्यादा ही मतलब ज़्यादा वो हो रहा है तो मेरा ठीक हो गया दोस्तों। अनिशा तो ठीक होगी दादा। तो हमने डॉक्टर को चेंज किया है जो जहाँ से पहले लाई है दवाई वहाँ से मतलब थोड़ा दर्द तो ठीक हो गया था बट अभी मतलब आँख तो ठीक नहीं हुई है और अभी हमने दूसरा डॉक्टर चेंज किया है तो देखते हैं ये दवाई खा के क्या होता है फ़र्क पड़ता कि नहीं पड़ता। अभी तो लाल भी हो गया और मेरा मुंह इधर से पूरा सूज गया है। तो दोस्तों अपने बच्चों का ख्याल रखो अपना भी वरना आप हमारे तरह आपके भी हो जाएंगे। तो अब बनाती हूँ मैं खाना और खाना बनाने में मतलब किचन में जाने डर लग रहा है तो जब मैं प्याज वगैरह काट रही हूँ ना तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और जैसे बाहर जा रही हूँ हवा लग रही है ना तो काफ़ी दर्द हो रहा है तो मेरे को दवाई डालने में भी डर लग रहा है। जैसे आँख में आँख के डालने वाली दवाई दे रखी है डॉक्टर ने ना तो उससे जब उसको डाल रही हूँ तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और खाने वाली होती तो फिर मैं खा ही लेती है तो बट खाने वाली भी दे रखे पर जो आँख में डालने वाली है ना उससे ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मेरे को कि कैसे डालूँगी मैं। एक दो बार अनिशा ने डाला है तो अनिशा तो कह रहे मम्मी नहीं डालना नहीं डालना पकड़ पकड़ के इसकी आँख में डाला है दवा। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई हो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट।